नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पूल में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से JPSC, JSSC और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे, और उस क्रम में 12 वीडियो जो इतिहास का है, प्राचीन मध्यकालीन 12 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज जो है सो 13वां वीडियो है, अर्थात 13वां पार्ट है, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस क्षेत्र में हुआ और किस तरह से पूरे झारखंड में उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया, साथ ही किस क्षेत्र के राजाओं से कैसा संबंध स्थापित किए। ठीक है, तो इनसे पहले अगर वो 12 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से पार्ट 1 पार्ट 2 करके 12 वीडियो को देखें, ताकि झारखंड का इतिहास का जो कॉन्सेप्ट है वह आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ और किस क्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड पहले समझेंगे, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश होता है वह सिंहभूम की ओर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंहभूम में ये आपको नहीं याद रखना है कि पश्चिम सिंहभूम की पूर्वी सिंहभूम, केवल ये याद रखना है, क्योंकि उस समय पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम का विभाजन नहीं हुआ था। तो झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ वह कहाँ पर हुआ, सिंहभूम में हुआ। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर आने का कुछ तो वजह रहा होगा, या तो फिर कोई ऐसा मार्ग हुआ होगा जिसके वजह से वो सिंहभूम में प्रवेश किए होंगे। तो समझना होगा एक संक्षिप्त, क्या कह सकते हैं, बैकग्राउंड के माध्यम से। संक्षिप्त बैकग्राउंड क्या है देखेंगे हम लोग। ये आपका इंडिया का मैप है, और इंडिया का मैप में ये आपका दिल्ली हो जा रहा है, ये आपका बिहार और ये आपका झारखंड। ठीक है, तो अंग्रेज झारखंड में, बिहार से जस्ट नीचे, झारखंड में आगमन कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अंग्रेज से पहले यहाँ पे कौन आया, मुगल आया। ठीक है, और मुगल से पहले कौन आए, दिल्ली संतलत के लोग आए, दिल्ली संतलत अर्थात मुस्लिम लोग आए। ठीक है, तो दिल्ली के लोग जब यहाँ पे पहुंचे, मोहम्मद गौरी ऐबक, तो सबका अधिकार जो नियंत्रण हुआ वह दिल्ली क्षेत्र में हुआ। उसके बाद जो आए मुगल आए, और मुगल का भी नियंत्रण कहाँ पर हुआ, विशेष करके दिल्ली क्षेत्र में हुआ। लेकिन ये मुगलों का संघर्ष लगातार किससे चलता था, यहाँ पे अफगानों से, किससे, अफगानों से, और अफगानों के संघर्ष हमेशा मुगलों से चलता रहा। और ये अफगान जो होते थे वो मुगलों से संघर्ष करने के दौरान में कभी कभी आके झारखंड में बस जाते थे। ठीक है, और झारखंड में जब बसे तो मुगलों का ध्यान यहाँ पर आया, कहाँ पे, झारखंड के क्षेत्र में, और इस प्रकार मुगल का मतलब यहाँ पे झारखंड में अपना अधीनता स्थापित किया। तत्पश्चात मुगल के पश्चात यहाँ पे कौन आते हैं, अंग्रेज आते हैं, जो कि हमारा इसका डिटेल्स जानने के लिए आप क्या करें, कैसे आते हैं उतना डिटेल्स यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ देखिए आगमन और उसके बाद की आधारशिला देखेंगे, और आने का जो पूरा कहानी है यहाँ पे आप संक्षिप्त आपको बता दें, इसका जो पूरा डिटेल्स है, डच, फ्रांसीसी या तो पुर्तगाली और फिर अंग्रेज कैसे इंडिया में प्रवेश किया, झारखंड में कैसे अपना नियंत्रण स्थापित किया, इसके लिए प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, भारत का इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास का वीडियो काफी वीडियो अपलोड है, वहां से पूरी वीडियो को देखें तो या फिर आपको यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि झारखंड में कैसे और पूरा भारत में कैसे अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ था। चलिए, तो झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ वो किस क्षेत्र में हुआ, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। कहाँ पे हुआ, सिंहभूम, इसे याद रखेंगे। और जिस समय वो सिंहभूम में प्रवेश किए, इस समय झारखंड के 3 क्षेत्र, खास करके सिंहभूम के इलाका में 3 क्षेत्र फेमस था, और तीनों में अलग अलग वंशों के राजाओं का आधिपत्य था। जैसे एक था आपका धालभूम, इसे याद रखेंगे। जब अंग्रेज सिंहभूम में प्रवेश किए तो सिंहभूम का 3 भागों में डिवाइडेड था, एक आपका धालभूम था, एक आपका पोड़हाट था और एक आपका कोल्हान था। ठीक है, ये 3 क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध थे, और तीनों क्षेत्र में जो यहाँ का क्षेत्रीय राजा थे उसका शासन चल रहा था। तो धालभूम, सबसे पहले धालभूम देखेंगे, तो धालभूम में जो थे वो धाल राजा थे। ठीक है, धालभूम में जो थे वो कौन थे, धाल राजा थे। इसके बाद पोड़हाट, यहाँ पे पोड़हाट लिखा है, पोड़हाट हम लोग पोड़हाट भी कहते हैं, और पोड़हाट में जो थे वो कौन थे, सिंह राजा थे। ठीक है, धालभूम में धाल राजा, पोड़हाट के हो गया सिंह राजा। इसके अलावा कोल्हान, कोल्हान जो थे वहाँ पे कौन से राजा थे, हो लोग थे, कोल्हान में हो लोगों का आधिपत्य था। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अंग्रेजों का आगमन जिस समय सिंहभूम में होता है, उस समय सिंहभूम के क्षेत्र 3 भागों में एक तरह से बटा हुआ है, और तीनों में अलग अलग राजाओं का नियंत्रण स्थापित है, ये हमने बैकग्राउंड देखा। इसके बाद अंग्रेजों का आक्रमण करने का मुख्य वजह क्या था, तो ये देखेंगे।
कि अंग्रेजों का आक्रमण करने का मुख्य वजह क्या था। तो अंग्रेज आए कब, अंग्रेज शिमू में प्रवेश कब किए, अंग्रेज शिमू में प्रवेश किए थे जनवरी 1767 में। इसे भी आप याद रखेंगे, इधर कंटस्ट कर लेंगे कि अंग्रेज आगमन कब हुआ, जनवरी 1767 में। अब 1767 में आगमन से पहले बता दिया 1765, 1765 में जब शाह आलम और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, ये बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। और इलाहाबाद के संधि के तहत जो बंगाल का क्षेत्र है उस पर दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था, दीवानी अर्थात जमीनी अधिकार। और उस समय झारखंड जो था बंगाल के अंडर में था और बिहार भी उसी के अंडर में था। और इसीलिए जब 1765 में जब अधिकार मिलता है, ये घटना 12 अगस्त का है, 12 अगस्त 1765 को जैसे ही अंग्रेजों का दीवानी अधिकार मिलता है तो अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए 2 साल के बाद 1767 में वो क्या होते हैं, झारखंड के सिमू में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने का मुख्य वजह होता है नियमित कर वसूलना और अपनी अधीनता बनाए रखना। जिस तरह से बिहार में था, बंगाल में था, झारखंड भी चाहते थे कि हमारी अधीनता बनी रहे और नियमित रूप से जो एक रेगुलर टैक्स आने की प्रोसेस है वह हमेशा मिलती थी। तो ये मुख्य वजह था, टैक्स लेना और अपना शासन स्थापित किए हुए रहना। अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या होता है 1768, जस्ट एक साल के बाद, एक साल के बाद क्या होता है, जगन्नाथ धाल जो होते जो कि धालभूम के राजा रहते हैं, ठीक है, जगन्नाथ धाल जो है धालभूम के राजा है। और इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का विरुद्ध में विद्रोह किया। विद्रोह करना स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने क्षेत्र में राजा हैं और कोई मतलब बाहर से आया हुआ वहाँ पे अपना शासन स्थापित करना चाहे तो विद्रोह स्वाभाविक सी बात होती है, ठीक है। तो जगन्नाथ धाल ने विद्रोह किया और देखिए उस विद्रोह का नाम पड़ा था धाल विद्रोह। हालांकि यह विद्रोह एक साल नहीं चला, लगातार 10 साल तक चला, अंग्रेज आने के जस्ट बाद हुआ 1768 में, और 1777 तक यह चलते रहा विद्रोह। ये कभी शांत नहीं बैठे, याद रखेंगे जो जगन्नाथ धाल थे कभी शांत नहीं बैठे, लगातार अंग्रेजों का क्या करने लगा, विद्रोह करते रहा। और कहता है इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जगन्नाथ धाल को जगन्नाथ स्वीकार कर लिया था। क्या स्वीकार कर लिया था, एक तरह से उसको सालाना टैक्स देने के लिए, कितना, 5500 सालाना टैक्स अंग्रेजों को देने के लिए स्वीकार कर लिया था। लेकिन होता क्या है, अंग्रेज को ऐसा लगता है कि नहीं, अगर जगन्नाथ धाम को हटा के किसी और अन्य को राजा बनाया जाए तो ये जो टैक्स पहुंचता था नियमित रूप से नहीं पहुंचता था। तो अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रहा है, और कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रहा है, नियमित रूप से जो टैक्स जगन्नाथ धाम के लिए रखा गया था वह जो है सो नहीं आ रहा है, तो उसके जगह पे किसी और को राजा बनाया जाता है और जगन्नाथ धाल को क्या कर दिया जाता है, अपरस्त कर दिया जाता है ताकि नियमित कर पहुंचे। और इसी में ये लेफ्टिनेंट रूप के प्रयास से होता है, और नीमू ढाल जो कि जगन्नाथ धाल का भाई ही था, ठीक है, तो नीमू ढाल को क्या करता है, वहाँ पे धालभूम का राजा घोषित कर देता है। और जैसे ही जगन्नाथ धाल को अपदस्थ कर दिया जाता है और नीमू धाल को वहाँ का राजा बना दिया जाता है, तो जगन्नाथ धाल एक बार फिर से मतलब अंग्रेजों से हमेशा विद्रोह करने लगता है, कभी शांत नहीं बैठता। तत्पश्चात जाके क्या होता है 1777 में, लगभग पूरे 10 साल के बाद लगातार इसका संघर्ष जारी रहता है। अंग्रेज लगभग इससे परेशान हो जाते हैं कि किसी भी सिचुएशन में चाहे टैक्स कम ही क्यों नहीं आए, या विद्रोह को शांत करने का एक ही तरीका है, जगन्नाथ धाल को फिर से धालभूम का राजा घोषित करना पड़ेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो कंपनी के लोग थे, या तो हम लोग बोलेंगे अंग्रेज के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ धाल को दोबारा 1777 में राजा घोषित कर दिया, ठीक है। और इस प्रकार से जाके धाल विद्रोह क्या हुआ, शांत हुआ। हालांकि ये तो आपका ये हम देख रहे हैं कि अंग्रेज शिमू में पहुंचे और उसका विद्रोह कैसे हुआ, तो ये आप यहाँ देख रहे हैं धाल विद्रोह। बट कुछ ही मतलब जैसे टॉपिक खत्म होगा उसके बाद लोग जनजातीय विद्रोह देखेंगे कि केवल धाल विद्रोह नहीं, जनजातीय विद्रोह, क्योंकि ये धाल राजा जो थे जाति से धोबी थे, याद रखेंगे धाल राजा जो थे वो जाति से धोबी थे। लेकिन झारखंड में जनजातीय विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह हुए और इसका मुख्य वजह था अंग्रेजों का दमनकारी शोषणकारी नीति। तो सारा विद्रोह को लगातार वीडियो अपलोड होगा, उसे भी देखने के लिए लगातार चैनल में बने रहे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझा, इसके बाद देखेंगे अंग्रेजों का आगमन 1767 में होता है और 1800 आते आते ये जो टैक्स कम होकर कितना हो जाता है, 4267 रुपये सालाना हो जाता है, जो कि स्टार्टिंग में कितना फिक्स किया गया था, 5500 रुपये फिक्स किया गया था। तो इस तरह से हमने धालभूम के बारे में देखा कि धालभूम में कैसे अंग्रेज अपना मतलब नियंत्रण स्थापित करता है। अब देखेंगे बहुत दिनों के बाद 1820 में होलो, अभी यहाँ बता रहे कोल्हान, कोल्हान में कौन है, हो लोग है, फिर कोल्हान में जो है सो हो लोग है, इसका चर्चा करेंगे, फिर पोड़ाहाट का भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे।
तो कोलहान जो है, कोलहान में कौन से लोग रहते हैं? हो लोग रहते हैं, और हो लोग भी विद्रोह करते हैं, किसका? अंग्रेजों का। स्वाभाविक सी बात है विद्रोह करना। तो 1820 में, क्योंकि इधर मतलब इस क्षेत्र में अंग्रेजों का विशेष ध्यान नहीं गया था, स्टार्टिंग में धार राजाओं के संघर्ष से 10 साल बीत गया, तो इधर बाद में गया, ठीक है, और बाद में गया। तो 1820 में मेजर रफसेज, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, मेजर रफसेज जो है कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। और कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, ये अंग्रेजों के बीच और हो लोगों के बीच एक युद्ध होती है, ठीक है, अंग्रेजों के बीच और हो लोगों के बीच एक युद्ध होती है। और आपको इतना बताना कि जितना भी यहाँ के राजाओं से अंग्रेजों का संघर्ष हुआ है, उसमें 100% तो नहीं कर सकते, फिर भी 90% से ज़्यादा अंग्रेज ही विजय हुआ है, कहीं कहीं यहाँ के राजा भी विजयी हुए हैं, ठीक है। तो अंग्रेज और हो लोगों के बीच संघर्ष छिड़ गया, जिसमें से अंग्रेज क्या हुआ, विजय हुआ। और यह जो हुआ था रोरो नदी के किनारे हुआ था, ध्यान रखेंगे। आप सिंपल सी बात, जब आप जिस क्षेत्र में आक्रमण कर रहे हैं वहाँ के राजा अगर हार जाते तो वो आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, और मकसद भी यही होता था कि हम वहाँ, जैसे कि राजा हार गया तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लिया, अंग्रेज का मकसद भी होता। और हम जो बोले, हम जो कर फिक्स करें, हम जो कर तय करें वो कर हमें सालाना जमा करें, मेन मकसद यही हुआ करता था, ठीक है। तो रोरो नदी के किनारे याद रखेंगे कोल्हान क्षेत्र में हो लोगों के बीच और अंग्रेजों, अंग्रेज का नाम भी याद रखेंगे, रफसेज के बीच 1820 में एक विद्रोह हुआ था, जिसमें क्या होते हो लोग हार गए थे। तो इसके बाद देखेंगे जस्ट 1 साल के बाद क्या होता है, ये तो रफसेज के बाद एक और अंग्रेज रहता है जिसका नाम रहता है कर्नल रिचर्ड। कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का प्रवेश फिर से हो क्षेत्र में होता है, और इसमें क्या होता है, 1 माह तक संघर्ष लगातार चलता है हो लोगों के बीच, फिर से होता है। और 1 माह तक लगातार संघर्ष चलने के बाद, क्योंकि इस युद्ध में क्या हुआ, वो हार तो गए, वो लोग हार गए, लेकिन अंग्रेजों की अधीनता, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, तो उस गुलामी को स्वीकार करवाने के लिए 1 साल के जस्ट 1 साल के बाद क्या हुआ, कर्नल रिचर्ड ने काफी सेना के साथ कोल्हान में प्रवेश किया, सॉरी कोल्हान में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद क्या हुआ, वो लोगों ने अंततः कंपनी की, जो कंपनी जब भी बोलेंगे तो हम अंग्रेज समझेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी समझेंगे, ठीक है, कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन यहाँ भी क्या बताया कि यह भी क्या कहते, उसको गुलामी तो स्वीकार कर ली, कब, 1821 में, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि यहाँ जो राजा होते थे कोल्हान के क्षेत्र में जो राजा होते थे, वो हर राजा ने स्वीकार किया, एक तो स्वीकार किया फिर ज्वाइन नहीं किया, तो इस तरह से संघर्ष लगातार चलता रहा, ठीक है। तो होता क्या है, ध्यान देंगे 1837 में, इसे याद रखेंगे, हम लोग सरायकेला के बारे में चर्चा करेंगे, 1837 तक हुआ कब, 1821, आप देखेंगे 1837, 1837 में पूर्ण रूप से यह क्षेत्र जो होता है, जो कोल्हान क्षेत्र होता है, अंग्रेजों के मतलब अधीन हो जाता है, ठीक है। जबकि अंग्रेज को ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब जो उसको मिला था, यहाँ का दीवानी अधिकार जो मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, या तो अंग्रेजों को, कब दीवानी अधिकार मिला था, 1765 को मिला था, 1765 को मिला। बात यहाँ बता भी चुके हैं कि 12 अगस्त बक्सर के युद्ध के बाद, हालांकि इसका और डिटेल्स जानने के लिए प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध कैसे हुआ था, क्या स्टोरी था, इसके लिए हमारा जो आधुनिक भारत का वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट से आप उसको देख लें। तो 1765 में दीवानी अधिकार मिला था झारखंड के क्षेत्र में, उसको अपना सत्ता स्थापित करने का, कर लेने का। और फाइनली 1837 में कोल्हान के क्षेत्र में क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपना मतलब क्या कर सकते हैं, सत्ता, या तो फिर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाया था। और जो कोल्हान का क्षेत्र था, जब पूरा कोल्हान उसके अधीन हो गया, तो कोल्हान का जो क्षेत्र था उसको एक नई प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। अब यहाँ समझेंगे कि प्रशासनिक इकाई क्या होता है। देखिए प्रशासनिक इकाई क्या होता है, किसी भी एक क्षेत्र का विभाजन करना, जैसे कि जैसे मान लीजिए अभी करेंट में जो है झारखंड का एक चल रहा था टंडवा ब्लॉक, ठीक है, टंडवा ब्लॉक पेपर में आ रहा था कि उसका विभाजन कर दिया गया। तो ये जिला, जिला जो होता है, इसके बाद आपका अनुमंडल जो होता है, अनुमंडल होता है, फिर आपका ब्लॉक होता है, और जिला के बाद आपका प्रमंडल होता है। तो ये क्या है, उस क्षेत्र का शासन चलाने के लिए अलग अलग भागों में बांट रहता है। तो यही आपका क्या होता है, प्रशासनिक इकाई। प्रमंडल एक प्रशासनिक इकाई है, जिला भी एक प्रशासनिक इकाई है, अनुमंडल भी प्रशासनिक इकाई, और ब्लॉक भी एक क्या है, प्रशासनिक इकाई, मतलब एक विशेष क्षेत्र को मतलब क्या कर दिया, प्रशासनिक इकाई बनाकर अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। यह कब हुआ था, 1837 में, और उस समय क्लीवलैंड नामक एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने क्या किया था, पहाड़ी असेंबली की स्थापना कोल्हान क्षेत्र में स्थापित किया था। तो इसको भी याद रखेंगे क्लीवलैंड, हालांकि इसका स्टोरी भी है जो लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ कहा जाता है कि कोल्हान क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों को जो अधिकार करने का समय लगा, देखेंगे 72 वर्ष के बाद, और ये एग्जाम में आता है। लेकिन ये 72 साल कैसे कोल्हान क्षेत्र में, मतलब 72 साल कैसे लगा, इसको ध्यान देना होगा।
जैसे कि 1765 में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सो दीवानी अधिकार मिला, अर्थात बंगाल बिहार उड़ीसा जो भी बोलिए इस क्षेत्र का अधिकार मिल गया। और फाइनली रूप से कोल्हान क्षेत्र में कब अधिकार हुआ, पूरी तरह से 1837 में। तो आप क्या करेंगे, 1837 कितना बोल रहा है, 1765 में अधिकार मिला था और बोला 72 साल के बाद कोल्हान क्षेत्र में अधिकार हुआ, तो 72 आप जोड़ के चेक कीजिए या फिर घटा भी चेक कर सकते हैं। तो आपका हो गया 5 2 कितना 7 और 7 से 13 8 1837। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1765 में मिला था अंग्रेजों को दीवानी अधिकार और 72 साल के बाद कोल्हान क्षेत्र में क्या हुआ, मतलब कह सकते हैं इसको अधिकार हुआ। लेकिन 45 साल मतलब 72 साल केवल कोल्हान क्षेत्र में लगा, जबकि पूरा झारखंड के क्षेत्र जो शेष झारखंड थे जहाँ पे राजाओं का शासन चल रहा था, उस तरह के जितने भी क्षेत्र थे हर क्षेत्र में 45 साल तक पूरी तरह से अंग्रेजों का आधिपत्य में हो चुका था, सिर्फ कोल्हान में इतना समय अंग्रेजों को लगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अब सरायकेला। सरायकेला आज जो सरायकेला खरसावां है, सरायकेला खरसावां जो है आज कंबाइंड है, लेकिन उस समय की बात है, सरायकेला अलग रियासत था और खरसावां अलग रियासत था। और सरायकेला का जो स्थापना किया, सरायकेला राज्य का स्थापना वो कौन किया था, वो विक्रम सिंह ने किया था, यह भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सरायकेला राज्य का स्थापना जो किया था वो विक्रम सिंह ने किया था, जबकि खरसावां तो अलग था, तो खरसावां रियासत की स्थापना जो किया था विक्रम सिंह का दूसरा पुत्र किया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये खरसावां का जो स्थापना किया था विक्रम सिंह का दूसरा पुत्र, और सरायकेला का जो स्थापना किया था वो विक्रम सिंह किया था, अभी तो कॉम्बाइंड है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि पलामू में किस तरह से अंग्रेज अपना अधिकार स्थापित करते हैं। आपने धारून देखा, कोल्हान क्षेत्र को देखा, काफी संघर्ष के बाद, ऐसा नहीं कि अंग्रेज आए तो तुरंत अपना अधिकार स्थापित कर लिया, 40-45 साल कहीं 72 साल समय लगाए तब जाके अपना मतलब क्या कर सकते हैं शासन को यहाँ पे स्थापित किया था। अब पलामू देखेंगे, पलामू में क्या है, 1761 मतलब 4 साल के बाद, 5 साल के बाद 1767 में प्रवेश करते हैं सिंहभूम में, और 4 साल के बाद तो 1771 में केमक जो है पलामू पर अधिकार कर लेता है। तो यहाँ पे पलामू के जो राजा थे इस तरह से मतलब क्या कह सकते हैं, एक लड़ने योग्य नहीं थे, क्योंकि पलामू जो था, पलामू में पहले रक्षिल वंश थे। हमारे प्राचीन वीडियो जो नहीं देखे, प्राचीन वीडियो मतलब इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको आप देखें, तो प्राचीन भारत में प्राचीन झारखंड में क्या देखा था कि पलामू में पहले रक्षिल वंश के राजा थे, और चेरो बाद में आते हैं, रक्षिल को अपदस्थ कर देते हैं और चेरो पलामू में बस जाते हैं। तो ये उतना ताकतवर नहीं थे, अंग्रेजों से संघर्ष करना नहीं सीखा, ये भागना पसंद किया, इसीलिए पलामू में उस तरह कुछ विशेष नहीं है। फिर भी हम लोग आगे देखेंगे पलामू के बारे में थोड़ा बहुत फिर भी देखेंगे। तो 1771 में जब केमक पलामू पहुंचते हैं तो वो अधिकार कर लेते हैं, और जिस समय वो पलामू पहुंचते हैं उस समय वहां रहता है चेरो वंश अर्थात चेरो राजा, और चेरो राजा जो रहते हैं वो कौन रहते, चित्रजीत राय। और ये भाग कर चले जाते हैं कहाँ पर, रामगढ़। तो भाग कर कहाँ चले जाते हैं, रामगढ़ चले जाते हैं, और रामगढ़ चले जाने के कारण से पलामू पर क्या हो जाता है, अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। लेकिन ये चित्रजीत राय का जो भाई है या फिर इसके जो अन्य लोग थे वो सब विद्रोह करना पसंद किया अंग्रेजों का, और 1 साल के बाद जब पलामू में अंग्रेजों ने अपना सत्ता स्थापित किया तो 1 साल के बाद, ठीक है, जयनाम सिंह जो कि इसी का रिलेशन था, याद रखेंगे चित्रजीत राय का ही रिलेशन था, ठीक है, तो जयनाम सिंह और टॉमस अस्कॉट इसके साथ एक अंग्रेज थे जिसका नाम था सार्जेंट पेल्विन। तो सार्जेंट पेल्विन इसके साथ थे, टॉमस अस्कॉट के साथ, और काफ़ी अंग्रेजी सेनाएं थी, जबकि जयनाम सिंह और इधर से हमारे पलामू से जो भी चेरो राजा थे दोनों के बीच एक संघर्ष होता है, और संघर्ष होने के बाद अंग्रेजी सेना हार जाती है। पहली बार अभी आपको देखने को मिलेगा कि अंग्रेजी सेना कहाँ पे हारती है, पलामू में हारती है। क्यों हारती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जयनाथ सिंह के जितने भी सहयोगी होते हैं, यहाँ पे चित्रजीत राय भाग गए थे लेकिन जयनाथ सिंह के बाद में सहयोग भी किए थे, और केवल चित्रजीत राय नहीं बल्कि जितने भी चेरो राजा थे सारे लोग उसका सहयोग किए थे, और इसी वजह से क्या हुआ, सार्जेंट जो पेल्विन था वह मारा गया जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, और सार्जेंट जो थे वो सॉरी अस्कॉट जो थे वो पूरी तरह से घायल हो गया था। और इस प्रकार क्या हुआ, पलामू में एक राजनीतिक अस्थिरता बनी रही पलामू में राजनीतिक, क्योंकि अंग्रेज का हारना एक बहुत बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं, राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता के कारण था। अराजकता मतलब ये कहने का मतलब चित्रजीत राय, जयनाथ सिंह और वहाँ के जितने भी लोग थे आपसों में भी संघर्ष था, और अंग्रेज आए तो अब फिर अंग्रेज भी उसमें उलझ गए। तो राजनीतिक और याद रखेंगे कि जो अंग्रेजों का आगमन में किस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता थी,
आदरणीय वो क्या था आपका, पलामू था। रंका का किला कहाँ पे है, पलामू में। देखिए हमारा जो भूगोल का सेक्शन है, झारखंड का जो भूगोल है, लगभग सभी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो भूगोल में देखिए वहां बताया कि रंका का किला कहाँ पर है, पलामू में। तो रंका का जो किला है उस पर क्या करता है जयनाथ सिंह जो है सो अपना मतलब कब्जा कर लेता है रंका के किले पर। यहाँ आपने क्या देखा कि केमक तो पलामू में अधिकार कर लेता है, चित्रजीत भाग जाता है, लेकिन जैसे ही जयनाथ सिंह आता है तो अंग्रेज हार जाता है और फिर से यहाँ के राजाओं का मतलब शासन हो जाता है कहाँ पर, पलामू में। तब क्या करते हैं केमक जो एक बहुत बड़ी सेना, बड़ी सेना मतलब बहुत ज्यादा सेनाओं के साथ पलामू में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, आक्रमण करते हैं। तत्पश्चात क्या होता है, ये जो जयनाथ है एक ऐसी जगह भाग जाते हैं झारखंड के क्षेत्र में जिसे किसी को नहीं पता चलता है कि चित्रजीत राय तो रामगढ़ भागा था, लेकिन जयनाथ सिंह कहाँ गए थे इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि कहाँ भागे। इसलिए कहा जाता है कि जयनाथ सिंह एक अज्ञात स्थान पर चले गए थे। जयनाथ सिंह क्या हुए, एक अज्ञात स्थान पर चले गए और फिर पलामू से कोई विद्रोह करने वाला चेरो राजा नहीं बचा। और कह सकते हैं 1773 और 74, ये भी याद रख सकते हो, 1773 और 74 में पलामू पर भी अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि पलामू का क्या शुरू था। अब हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर के बाद हम लोग देखेंगे हजारीबाग में अंग्रेजों ने कैसा अपना सत्ता स्थापित किया। इसके बाद हम जाएंगे संथाल परगना, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे छोटा नागपुर। अब छोटा नागपुर का नाम आ जाता है कि नागपुर नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि इस क्षेत्र में नाग तथा सांपों की संख्या काफी ज्यादा था। हालांकि इसका स्टोरी देखने के लिए प्राचीन वीडियो आप जरूर देखें, नागवंशी का, मुंडाओं का, जो भी वीडियो अपलोड है, ठीक है। हम लोग यहाँ इतना डिटेल्स यहाँ नहीं देखेंगे, केवल ये प्रदेश का कैसे मतलब ये सिस्टम था ये देखेंगे। तो छोटा नागपुर खास में क्या था, अंग्रेज के आक्रमण के समय नागवंशी राजा था, नागवंशियों का स्थापना भी देख लेंगे कैसे हुआ। तो यहाँ पे नागवंशी राजा था छोटा नागपुर में, जिसमें अंग्रेज प्रवेश किया और उसका नाम क्या था, द्रवनाथ शाही। तो ये जो थे ये पलामू पर केमक का प्रभाव देख चुका था, ठीक है। छोटा नागपुर का जो नागवंशी राजा था द्रवनाथ शाही, यह क्या किया, पलामू पर देखा था कि किस तरह से केमक जो है बहुत सेनाओं के साथ आया था और पलामू में तत्काल का मचा दिया था। तो उस डर इसके मतलब उसके मन में डर बैठा हुआ था कि कहीं हम युद्ध मतलब युद्ध करेंगे, विद्रोह करेंगे, हार जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि गुलामी स्वीकार कर लेना। और केमक जो था वही केमक जो पलामू पहुंचे थे वही केमक पहुंचता था, जो ये पहुंचा कहाँ पे, छोटा नागपुर पहुंचा। और द्रवनाथ शाही ने क्या किया, विद्रोह करने के बदले मतलब शिवाय विद्रोह नहीं किए, डायरेक्ट उसका अधीनता स्वीकार कर लिए और सलाना जो है 12,000 रुपया देने के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार आज हम लोग देखे कि अंग्रेज धागुम क्षेत्र में, फिर कोल्हान क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में और छोटा नागपुर क्षेत्र में, नेक्स्ट पार्ट में लोग क्या देखेंगे हजारीबाग क्षेत्र में और संथाल परगना क्षेत्र में किस तरह से अपना सत्ता जो है नियंत्रण करता है, तो आधिपत्य करता है। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।